रामपुर पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा कि देश में कुछ भी मुमकिन है। सांसद से सांसद तक का सफर योग था। इस युग में सन्यासी सियासी बने यह उनका अधिकार है। अब भाजपा को लोकतंत्र में पूर्ण बहुमत से जनता का साथ मिला है। उन्होंने कहा कि इस युग में योगी आदित्यनाथ सूबे की कुर्सी पर अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, यह उनका काम करने का अपना तौर तरीका है। एक धार्मिक योगी के बारे में एक धार्मिक मुस्लिम गुरु अपनी बात रख सकता है। जो जीता वो सिकंदर, हम जीते हम सिकंदर, यह लोकतंत्र है, इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी कहना नहीं है, डेमोक्रेसी में कुछ भी मुमकिन है। और इस बारे में अगर कोई राय लेना है तो उलमा काउंसिल से लीजिए, बेहतर राय देंगे। इमाम बुखारी साहब से राय लें, वो ज्यादा बेहतर राय देंगे। ओवैसी साहब से राय लें जो इलेक्शन लड़ा कर गए हैं, तो अभी तक कोई राय नहीं आई उनकी, वो राय देंगे। ये माशाल्लाह है हमारे बरेली के, हमारे सियासतदान लोग हैं, ये राय देंगे, जिसकी वजह से ये ध्रुवीकरण हुआ, वो बेहतर राय देंगे। और मेरे ख्याल से क्योंकि धार्मिक व्यक्ति को बनाया है, एक योगी को बनाया है, और हिंदू धर्म में योगियों का सम्मान भी होता है, तो धार्मिक व्यक्ति के बारे में राय धार्मिक व्यक्ति ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे वो सियासी राय सूझबूझ रखने वाले जो धार्मिक लोग हैं और जो काफी दखल देते हैं सियासत में, बेहतर होगा इस मौके पर भी। राजनीतिक व्यवस्था में और जैसे भी लोकतंत्र हो, उसमें फैसलों का सम्मान होना चाहिए। जो जीता वो सिकंदर, हम जीते हम सिकंदर, कोई और जीता वो सिकंदर। अब वो पार्टी जिसने जीत पाई है वो किसे मुख्यमंत्री बनाती है, उसका मामला है, हमसे उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री के बारे में अपनी राय देने का सवाल है, हमारी जानकारी यह है कि भगवा वस्त्र जो लोग धारण कर लेते हैं उनका एक अलग स्थान होता है, और धार्मिक व्यक्ति के बारे में और ऐसे धार्मिक व्यक्ति के बारे में जिनको राजनीतिक मान्यता भी मिल रही हो, हम समझते हैं ये सही वक्त नहीं है कि हम कोई इस पर टिप्पणी करें। इस पर टिप्पणी करने का इन हालात में अगर किसी को अधिकार है तो सबसे ज्यादा उलमा काउंसिल को है, दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब को है, हैदराबाद की एक मुस्लिम पार्टी जिसके मुखिया ओवैसी साहब हैं उनका अधिकार बनता है, और बरेली से एक मजहबी शख्सियत है जिनके अपना राजनीतिक दल है, उनका अधिकार है। ये लोग ज्यादा बेहतर राय दे सकते हैं, और अब जरूरत भी इसी बात की है कि ये लोग विचार रखें। हमारा विचार बस इतना ही है कि हमें लोकतंत्र के फैसले को मानना चाहिए।